नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को 6 साल से चलाया जा रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे सर से कि स्टार्टिंग जो है कितनी गायों से किए थे, कैसे कैसे गायों की संख्या बढ़ाते गए, आज इनके पास जो है कितनी गाय है, कितनी मिल्किंग में गाय है, कितनी बच्चियां है, शुरुआत में इनको कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि डेयरी फार्म में सबसे बड़ी समस्या होता है दूध के मार्केटिंग को लेकर के। तो शुरुआत में दूध जो है कैसे सेल किए, अभी इनका दूध जो है कहां पर जा रहा है, किस रेट से जा रहा है, किस तरह का इनका फीड मैनेजमेंट है, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को एक अपना छोटा सा परिचय दे दीजिए। चंद्र प्रताप सिंह, नंदेश्वर, थाना जलालपुर, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर। तो कितने सालों से सर ये डेयरी फार्म चला रहे हैं? छह साल हो गया। तो शुरुआत कितनी गायों से? दो गाय लेकर के आए थे। वो दो गाय कहाँ से लेकर के आए थे? दो गाय हम एक व्यापारी से लिए थे जी, और एक गाय दोनों वहीं से लिए थे। तो जो गाय लाए वो जितना वहाँ दूध बताया गया वहाँ यहाँ पर आकर 2 किलो कम रहे जी जी, और नहीं तो पूरा जी। तो इसमें क्या आपको बेनिफिट नजर आया सर कि आप डेयरी फार्म की शुरुआत कर दिए, दूसरा भी व्यवसाय कर सकते थे? हाँ ठीक है, हमें फायदा उनसे लाग जी, तो नाते हम बढ़ाव चला गए जी, जी। से बच्चे माने से अपने घर के सब। तो डेयरी फार्म के अलावा खेती बाड़ी भी है कि केवल डेयरी फार्म भी? नहीं, खेती बाड़ी भी कर लेते हैं डेयरी फार्म के साथ साथ। तो एक समस्या होता है सर कि दूध के मार्केटिंग को लेकर के, तो शुरुआत में दूध आप कैसे बेच रहे थे? पहले दिक्कत थी जी, अब तो डेयरी हो गई ना। तो शुरुआत में क्या समस्या आया ये आपके साथ? वही तो पैसा कम था ना जी। क्या रेट का मिल रहा था? अरे तो 14-15 रुपया। 14-15 रुपया, उतना तो पानी भी उससे महंगा है। तो कैसे जो है फिर जो है अपना मार्केट पकड़े दूध का? धीरे धीरे इसे होते होते आज 40-41 रुपया में है। 40-41 रुपया आज के डेट में चला जा रहा है, यानी कि 14-15 रुपया से शुरू किए और आज जो है 40-41 रुपया तक पहुंच गए। तो दो गाय के बाद जो है और गाय कितने महीने के बाद बढ़ाते गए? थोड़ा इसे सब बढ़ाते गए जी जी। तो हम देख रहे हैं सर कि जो सेट बनाए हैं स्टार्टिंग में ही बनाए थे कि मतलब बाद में इसको बाद में बनाए। दिक्कत नहीं होता है सर सेट में? नहीं नहीं, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर जी जी, नीचे है ऊपर। तो ये जो गाय हम देख रहे हैं सर, सभी गाय खरीदे हैं कि इसमें कुछ घर की भी गाय? सब घर की हैं। सब घर की है। अधिक जो है सर दूध देने वाली कितने? सर बढ़ते रहिए, कितने लीटर तक आपके पास दूध देने वाली गाय है? 19-20 लीटर तक। 19 से 20 लीटर। अब सबसे कम दूध देने वाली कितने लीटर तक है गाय? उससे कम 10 लीटर, बस 10 लीटर कम। तो अच्छा उस साइड में छोटी वाली जी जी। बेनिफिट किस में होता है सर? कम दूध देने वाली गायों में होता है या ज्यादा? नहीं ज्यादा देने, जब 20 लीटर सुपर है तब ठीक है जी जी, तब ठीक। भूसा तो खरीदना पड़ता होगा? थोड़ा भूसा खरीदना पड़ता है। तो शुरुआत में ही ले लेते हैं कि महीने महीने लेते हैं? शुरुआत में। तो क्या रेट मिल जाता है सर भूसा? भूसा मिल जाते 500 के आस पास है, 600 के मिल जाते शुरू में जी जी, दोनों 500-600 के आस पास मिल जाते जी। तो शुरू किए थे तो घर वाले मना नहीं किए कि डेयरी सेक्टर में मत जाइए? पहले नहीं, कोई नहीं माना। कितनी गाय है सर आपके पास, गाय बछिया लेकर के? हमारे सब छोटा बड़ा लेके 18 हैं। 18 है। तो दूध कितना निकल जा रहा है सर प्रतिदिन का? प्रतिदिन का 80 लीटर होता है, 6-7 लीटर। उन बके ना हुई थोड़ा दिन के जी जी। और जो ताजी है, ताजी रहती है तो उस समय कितना होता है? अरे तब 120 लीटर हो जाए। 120 लीटर। और अभी जो है 80 लीटर। अभी 80 लीटर। तो एवरेज जो है 100 लीटर मान लिया जाए हर महीने? हाँ थोड़ा, हाँ उसे कम ना है जी जी। तो चारा, हरा चारा मिल जाता है सर? हाँ, हरा चारा बराबर, हरा चारा सालों भर मिलता है। हाँ, थोड़ा दिन दिक्कत हो उसके बाद सब मिल जाते। तो जिस समय नहीं मिलता है सर क्या प्रॉब्लम होता है दूध? थोड़ा बढ़ा देते हैं ना दाना जी, उसको बढ़ा देते हैं। तो एक डेयरी फार्म में सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है सर फीड को लेकर के? पशु आहार खिला रहे थे जी जी, मौके पे वही चूरी पंजाब वाली खिला रहे हैं। तो उसमें क्या दिक्कत हो रहा था सर? उसमें खिलाने से जैसे पशु की दूध की कम दे और जैसे दुबला हो जाए जी जी। अब इसे खिलाने से थोड़ा दिन से खिला रहे हैं ना, इससे बहुत अच्छा है। हाँ बहुत अच्छा दूध भी है और तंदुरुस्ती भी हमें ठीक लागत। तो घर पर बच्चियां भी तैयार कर लेते हैं? घर पे बच्चियां, सब बच्ची घर की बच्चियां हैं जी जी जी। तो बहुत सारे लोग जो है बच्चियां नहीं तैयार करते हैं सर, बोलते हैं कि घाटा है ना। अपन अपन विचार है सब जी जी, घाटा उठाना है सब सही।
लगभग एक अमूमन बैठा होंगे ना कि महीना में हमारा इतना खर्च हो जा रहा है लगभग? अरे लगभग हमारे दाना के लगभग 30,000 रुपया खर्च हो जाए। दाना के 30,000, इसके अलावा भूसा जो भूसा लगता। हाँ, वो थोड़ा घर का रहा था, खरीद के आते उसे ना कोनो दिक्कत है जी, दिक्कत दाना वाली है जी। तो अनाज भी कुछ ऊपर से देते हैं कि केवल दाना ही देते हैं? नहीं नहीं, अनाज भी गेहूँ खे दर्रा फिर खिलाते हैं। दूध वाली गायों को कि प्रेग्नेंट गायों को? दोनों के थोड़ा थोड़ा, अगर ना ये सब मिला तब जी, ये सब नहीं मिला मौके से तब खिलाते। नहीं नहीं नहीं, तो पशु आहार खिला रहे हैं तो केवल पशु आहार ही खिलाते हैं? हाँ, पशु आहार खिलाते हैं, चूनी चोकर जो है जी जी। तो हम देख रहे हैं सर, कुछ गाय को बाहर रखे हुए हैं, कुछ को अंदर रखे हुए हैं, तो बरसात में कैसे इसको एडजस्ट करते हैं सर? आधा इसके बाद जितने बाहर हैं जी जी, उतने अंदर भी रहते हैं जी, तब उसी में एडजस्ट हो जाते हैं सब। तो इधर दूध देने वाली गाय है सर? दूध देने वाले है, सब दूध देने वाले जी जी जी। तो गायों में सबसे अधिक समस्या किस मौसम में आता है सर? ये तो गर्मी में। क्या समस्याएं आता है सर? गर्मी बहुत तेज हालत, हाँ फैला रहे हैं बहुत तेज यहाँ पर जी जी, गर्मी में। तो उसके लिए क्या कुछ उपाय करते हैं? हाँ, उसके लिए मोही पाउडर मिक्सर खिलाते हैं, थोड़ा दवा फिर जी जी। और बरसात में? बरसात में कोई दिक्कत नहीं है, बरसात में कोई दिक्कत नहीं, कोई हमें तो कोई दिक्कत नहीं। 6 साल हुआ है सर, कभी ऐसा हुआ है कि गाय बच्चा दे दी और जेर फंस गया? हाँ फंस गया, हाँ एक बार, हाँ कई बार हुआ जी जी। तो किस कारण से होता है सर? डॉक्टर बोले कुछ कमी है, वो नहीं याद है, कुछ कमी रहती है नाते फंस जाते जी जी। और कीड़े की दवाई कैसे देते हैं? वही 20 दिन की 21 दिन के बाद कीड़े की दवाई दे जाते, फिर 3 महीने ऐसे ऐसे दे जाते जी जी। देखिए हम यही सुनते हैं उसी के बगल जी जी, हाँ यही हमारा आसान है बस। तो पूरे डेरी को अकेले संभाल लेते हैं? नहीं, हम एक लड़का है। आपके घर के लड़के? हाँ, लड़का वही, मैंने घर के परिवार ही बस बस, हम हमारा लड़का बस, बाहर के लोग नहीं रखते। नहीं, अगर लेबर पर डेयरी छोड़ दिया जाए? अरे तब तो बेकार हो जाए। क्या समस्याएं हो? सब एक दिन ठीक थी, सब गड़बड़ हो जाए जी जी, एक दिन ना चल पाए। गाभिन गाय रहती है, उसको अलग से फीड देते हैं कि वहीं फीड देते हैं? वही सब देते हैं, वही देते वही सब, कोई दिक्कत नहीं हमको भाई, अभी तक तो नहीं दिक्कत हुई जी जी। तो कोई दूध का प्रोडक्ट भी बनाते हैं सर कि मतलब केवल दूध ही बेच देते हैं? दूध है, कुछ नहीं बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।